विकास आघाड़ी सरकार ने मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम धर्म को भी आरक्षण पास किया था, मगर अब मुस्लिम आरक्षण की कोई बात ही नहीं करता। इस तरह से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा, ये बात समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने पोडियम पे कही है। उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम समाज के आरक्षण के लिए सरकार आरक्षण सीमा को बढ़ाए और आरक्षण दे। अबू आजमी ने आगे क्या कहा, आइए देखते हैं। कि मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? कोई भी कहीं भी मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम का नाम नहीं लिया जा रहा है। हम मराठा समाज के रिजर्वेशन को पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन यही सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने दोनों को एक साथ पास किया था और कुछ लोग कोर्ट गए थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन धर्म के नाम पर नहीं मिल सकता। तो मैं पूछूं, ये बैठे हुए नेता लोग ये फैसला करेंगे या कोर्ट फैसला करेगा? कोर्ट ने जब कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन 5% दिया जाए एजुकेशन में, तो मुसलमानों की 50 जातों को, मुसलमान की 50 जातें जो पसमानदा हैं, और आपको बताऊं कि मुसलमान की पसमानदा जात को साइमन कमीशन 1936 में 35% रिजर्वेशन दिया था, 35% रिजर्वेशन। आज़ाद हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1950 को, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब एक चिट्ठी सिर्फ लिख करके राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाकर उन्होंने कहा, इस देश में रिजर्वेशन किसी को मिलेगा तो सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, और उन्होंने पास कर दिया उसको। उस दिन से मुसलमानों को रिजर्वेशन खत्म हो गया, क्रिश्चियन का खत्म हो गया, और उसके बाद सिख भाइयों का खत्म हुआ, लेकिन सिख भाइयों ने अपना आंदोलन करके ले लिया, आज तक मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला। पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं, असेंबली की कितनी सीटें हैं, कितने छोटे छोटे इलेक्शन की सीटें हैं जहां मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है। मेरी डिमांड है सरकार से कि आप 50%, आप जो है 5% रिजर्वेशन जब तक कानून में बैठता नहीं उस वक्त तक 3 लोगों की कमेटी बनाइए, उस कमेटी को सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी को, उनको बोली स्टडी करो 2 महीना। स्टडी करने के बाद जहाँ जहाँ जो 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 पसमानदा मुसलमानों को ज़रूरत है उसको आप पूरा कीजिए, और जब कानून में बैठ जाता है तो 5% रजिस्ट्रेशन अनाउंस कीजिए, दोनों को साथ साथ अनाउंस कीजिए। ये मेरी डिमांड है। हमारा कहना है कि जिस दिन भी डिमांड पूरी होगी, अगर ये कहते हैं 50% रिजर्वेशन है, अब उसके ओला जो आगे दे नहीं सकते, तो जिस तरह से बिहार में 60% रिजर्वेशन था, 15% और बढ़ गया, 75% हो गया, उसी तरह से अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ भी रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाइए, 5% मुसलमानों को दीजिए और 16% मराठा भाइयों को दीजिए, जो कानून में है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 दिसंबर तक या जनवरी तक वो फैसला करेंगे, तो आप उसमें मुसलमानों को भी सम्मिलित कीजिएगा, और अगर आपने मुसलमानों को सम्मिलित नहीं किया ना तो ये देश डेवलप कंट्री नहीं कहा जाएगा। अगर एक आदमी को, हम इस देश के 20% हैं, अगर एक शख्स को ऊपर से काट दिया जाएगा वो मर जाएगा, नीचे से 20% काट दिया जाएगा लंगड़ा हो जाएगा, साइड से काट दिया जाएगा लूला हो जाएगा। इस देश को लंगड़ा लूला नहीं बनाना है, इस देश को दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाना है, तो यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को जो है उनको सबको समान जो है उनको हक देना चाहिए। नवाब मलिक साहब ने जब कहा कि हम करेंगे, उसके बाद मेरे लक्ष्यवेदी पे नवाब मलिक साहब ने कहा कि हम न तो मराठा को दे सकते न तो मुस्लिम को दे सकते जब तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं होगा, ये भी उन्हीं का जवाब था। तो मैं उनसे पूछूं कि आप अपने नेता से पूछिए, कांग्रेस से पूछूं, आप लोग लाए क्यों, फिर क्यों बेवकूफ़ बना रहे लोगों को जब नहीं हो सकता तो, और अगर अब लाए हैं ना तो कोटा बढ़ाइए और लोगों को रिजर्वेशन दीजिए।